करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में हो चुके हैं विधानसभा चुनाव और जनमत अब ईवीएम वोटिंग मशीनों में बंद है। ऐसे में हर किसी को इंतजार है 3 दिसंबर की तारीख का। जी हाँ, चुनाव नतीजों का वो निर्णायक दिन जिस दिन साफ हो जाएगी हिंदुस्तान के दिल, मध्य प्रदेश की नई राजनीतिक तस्वीर, किसकी बनेगी सरकार, ये सवाल आपके हमारे हम सबके जहन में है। लेकिन मतगणना से ठीक पहले, वोटों की गिनती के क्रम के शुरू होने से पहले, क्या कहता है एग्जिट पोल और क्या कहता है पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक विश्लेषण क्या इशारा करते हैं और सियासी तौर पर क्या संकेत यहां पर मिलता है मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर, तमाम तरह की पेशकश के बीच में हम एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा सटीक सियासी विश्लेषण, एक ऐसा करीबी एग्जिट पोल जो कि आपको धुंधली ही सही लेकिन सही तस्वीर बताएगा जो कि उकेरी जाने वाली है 3 दिसंबर की तारीख को। और इस एग्जिट पोल के आंकड़ों को साफ करेंगे और तमाम तरह का पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग प्रांतों में तमाम सीटों पर क्या है अंक गणित और जनता ने अपना वोट किस राजनीतिक दल को दिया है, तस्वीर भी साफ करेंगे और सियासी तौर पर एक नई तस्वीर उकेरने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के जाने माने पत्रकार भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ग्रुप एडिटर श्री सुदेश तिवारी जी इस खास पेशकश में जुड़ेंगे। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर जो आपने, हमने देखा कि चुनावी कवरेज में जिस तरह से एक मापदंड तय किए, निश्चित तौर पर आम लोगों के बीच में आपका जो नेटवर्क है इसकी बहुत तारीफ हुई। और बात की जाए मध्य प्रदेश के इलेक्शन की, तो मध्य प्रदेश के इस इलेक्शन में मैं लगभग 1992 से लेकर अभी तक इलेक्शन को करीब से देखता रहा हूँ। कभी कोई मेरा परिचित चुनाव लड़ता रहा है, कभी न्यूज कवरेज के हिसाब से देखता रहा हूँ, जमीन पर देखता रहा हूँ। इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा अलग है। और महन जी, इस बार के इलेक्शन में सबसे प्रमुख बात यह है कि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों को लेकर जो बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार का टच भी देखने को मिला, जिसको लेकर तरह तरह की सियासत भी हुई। पिछले दिनों खजुराहो में जो घटनाक्रम हुआ, वहां पर राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह पर FIR हुई, इसके बाद पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर FIR हुई, तो बहुत तरह की सियासत हुई। खासकर मुरैना की सीट जो दिमनी सीट है वहां को लेकर भी कई तरह के आरोप लगे, और इसी तरह दतिया की सीट है, इंदौर की एक नंबर सीट है। तो इस बार का इलेक्शन कुछ अलग था, लेकिन एमपी न्यूज जिस तरह से पड़ताल कर रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, 3 दिसंबर के पहले जितनी भी बातें कही जाएंगी, हम वो जमीनी बातें, हम और आप दोनों ही, ये हमारी टीम चप्पे चप्पे पे तैनात रहती है, बातें करती है। कुछ भी लोगों के मन में क्या है, लोग कुछ बोलते हैं और होता क्या है, ये भी कई बार देखा गया। लेकिन महेंद्र जी, इस बार का जो मतदान का प्रतिशत है, खासकर 4 बिंदु प्रमुख हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में तय होने वाले हैं। सबसे प्रमुख बिंदु है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये पहला बिंदु है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरे बिंदु के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 महीनों से उन्होंने एक एक्सेलेट किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, उस मुद्दे का नाम है लाडली बहना योजना, जिसमें 1200-1200 रुपए के आसपास हर माह जाते थे। तीसरा मुद्दा है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग OBC। चौथा मुद्दा है ट्राइबल ST। और इन सब मुद्दों के बीच में तरह तरह की सियासत हुई, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। हम सारे मुद्दों पर आप जितने सवाल करेंगे आपको जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर इस बार एक और बात महेंद्र जी देखने को मिली। पहले ऐसे कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट होंगे उनमें बहुत सा बदलाव होगा। आपने देखा होगा कि जब 39 टिकट जो 39 टिकट शुरू में किए गए, जिसमें मधु वर्मा जी, राजेश सोनकर जी और धार की कुछ सीटें, अलग अलग कुछ सीटों पर, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 महीने पहले प्रत्याशी तय कर दिए, जहां पर आचार संहिता के पहले, जहां पर कांग्रेस पहले लगातार 2 बार से जीतती रही है, बिल्कुल ठीक है, चाहे उसमें सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे जीतू पटवारी हो, और भी कई नेता हैं। तो उन सीटों पर जब टिकट दिए गए थे तो ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार संगठन कुछ नया प्रयोग करने वाला है। दूसरा जब टिकट, तीसरी जब सूची आई तो हुआ भी प्रयोग। आपने देखा होगा कि 7 सांसदों को टिकट दिया गया, चाहे
चाहे रिद्धि पाठक हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे गणेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, उन चेहरों को मैदान, राव उद्धव प्रताप सिंह हो, इन चेहरों को उतारा गया। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी बात कही जाती रही है। तो ये प्रयोग किया, यहाँ तक तो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की दिख रहा था कि कुछ नया इनोवेशन गुजरात की तर्ज पर होने वाला है। जी, जी, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब अगले टिकट आए तो उसमें सीधे तौर पर दिखा, आपने देखा होगा कि इंदौर 5 हो, इंदौर 4 हो, चाहे मनोज पटेल हो या पूरे प्रदेश में जितने भी टिकट हो जिनपे नए लोग दावा कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की जो टीम में के हिस्सा थे मंत्रियों के साथ साथ में, उन्हीं विधायकों पर फिर से भरोसा करते हुए टिकट दे दिया गया। बात यहीं पर आके रुकती है कि लोगों का ऐसा कहना था कि सरकार काम कर रही थी लेकिन कुछ स्थानीय स्तर के विधायक, स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनका विरोध है। उस विरोध को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ये टिकट दिए। उसके बाद से कांग्रेस उसको मुद्दा बनाते नजर आई और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उसका उसके असर से ही कांग्रेस कुछ सीटों पर जब दौड़ में आई कि ये तो पिछले 20 सालों से यही विधायक हैं और उस तरह के मुद्दे उठाते हुए कांग्रेस ने उस पर पकड़ की कोशिश करी। अच्छा, इसके विपरीत महन जी कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस में भी लगभग इसी तरह की स्थिति बनी। कुछ जगहों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों को टिकट दिया और उनके विरोधी खड़े हुए, बागी खड़े हुए। और रोचक बात तो ये हुई कुछ जगह कांग्रेस के जो टिकट बदले गए उस पर कांग्रेस बैकफुट पे आई। हम बात करेंगे कि बड़नगर की सीट है, वहां पर पहले किसी और को टिकट दिया गया, उसके बाद मुरली मोलवाल को टिकट दिया गया था। इसी तरह जावरा की सीट है, इसी तरह और भी दतिया की सीट है। हालांकि दतिया की सीट में ऐसा कहते हैं कि जो अवधेश नायक है उनको टिकट जब काटा गया तो साथ में जो राजेंद्र भारती हैं दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दतिया अपवाद है, बिल्कुल बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। तो ये मुद्दे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात है, हमने फिर से कहा जो लाडली बहनाएं हैं किस तरफ गई हैं। लाडली बहनाओं को रुख यदि शिवराज सिंह चौहान भैया या शिवराज मामा की तरफ मुड़ा तो अलग कहानी होगी। बिल्कुल जी। और कांग्रेस में की तरफ से भी जो तमाम वादे किए गए, जो खासतौर पर वचन पत्र दिया गया, क्या उसका भी असर दिखा आपको? बहुत संक्षिप्त में, फिर मैं आगे आता हूँ। देखिए सबसे प्रमुख बात है कि इस बार कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एक अलग स्थिति का होता है जी। लेकिन कांग्रेस में चेहरा चुनाव लड़ता है, हमने देखा होगा। आप देख सकते हैं इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं की बात करें तो कांग्रेस चेहरे पे जाती है। लेकिन कभी कभी कांग्रेस के कुछ मुद्दे होते हैं जो लोगों में घर करते हैं। ओपीएस वाला जो मुद्दा है उसको लेकर सुखबुगाहट है जी। सच्चाई क्या है ये तो 3 तारीख को पता लगेगा कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों का कहीं ना कहीं रुझान था तो शायद ये मुद्दा हो सकता है। कर्ज माफी को लेकर तो सियासत भी होती रही, उसकी बात तो अभी नहीं कही जा रही है। सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर बिल्कुल कांग्रेस कैश करना चाह रही है। लेकिन इस तरह की अभी कोई उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल को बताती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको फेल्यूअर साबित कहा जाता है। लेकिन जी कांग्रेस का ऐसा दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का महेंद्र जी सीधे तौर पर दावा है, उनका कहना है कि हम ही सरकार बनाएंगे, 140 प्लस जाएंगे। हालांकि ये सब 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मुद्दे तो यही 4 हैं। बिल्कुल, चलिए बड़ी बात है, यहाँ पर संकेतों में ही सही लेकिन तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। और मुकाबला इतना जोरदार था, ये टक्कर इतनी जोरदार रही कि दोनों ही राजनीतिक दलों में सियासी गुणाभाग लगातार जारी है। अब कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ होगी, किसकी बनेगी नई सरकार ये भी तय हो जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले एक सटीक आकलन की बेहद जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि जनमानस किस दल के साथ जा रहा है। यदि हम मध्य प्रदेश को अलग अलग प्रांतों में बांटें तो तमाम जो सीटें हैं इनकी सर्जरी होती है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर इन्हें अलग अलग अंचलों में बांट लिया जाए तो यहाँ पर ये आकलन करना बहुत सटीक हो जाता है। और सुदेश तिवारी जी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के लिए पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और माना जाता है कि राजनीति की तासीर को चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी होने के नाते सुदेश जी बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं। शायद यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी वो अब पत्रकारिता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सुदेश तिवारी जी, सबसे पहले मैं मालवा निमाड़ की बात करता हूं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की स्क्रिप्ट जो है इसी मालवा निमाड़ से लिखी जाना है, जहां पर आती हैं 66 सीटें। क्या आपका आकलन है, क्योंकि मैदानी तौर पर आपका भी एक बड़ा नेटवर्क है और मध्य प्रदेश के साथ साथ मालवा निमाड़ की हवाओं का रुख आप बहुत जल्दी पढ़ भी लेते हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये जो बड़ा किला है जिसे कांग्रेस लगातार आदिवासी वोट बैंक के सहारे बड़ा करती आई है, क्या उसमें सेंध लगाने में
कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और आप ये मानते हैं कि मालवा और निमाड़ की इन 66 सीटों से ही जादुई आंकड़ा, जिसे बहुमत का आंकड़ा माना जाता है, वो तय हो सकता है? आपका आकलन क्या है, मालवा निमाड़ की 66 सीटों में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी आपके व्यक्तिगत एग्जिट पोल के अनुसार? देखिए महेंद्र जी, मैंने आपको कहा कि चार जो मुद्दे हैं उसमें ट्राइबल जी और मालवा निमाड़ में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी, खास करके रतलाम जो संसदीय क्षेत्र है, झाबुआ संसदीय क्षेत्र है, उसमें झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इन सीटों से आदिवासी तय करेगा कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाए। तो यहाँ पर अभी भी मुझे जो जमीनी जानकारी सामने आई है जी, इन जगहों पर लगभग इस संसदीय क्षेत्र से लगभग 4 सीटें कांग्रेस जीतते दिखाई देती है जी, धार की लगभग 4 से 5 सीटें जीतती हुई कांग्रेस दिखाई देती है, जिस तरह की बातें हैं। लेकिन जब निमाड़ की तरफ आते हैं तो बात थोड़ा सा बदल जाती है, हालांकि सच्चाई क्या होगी सामने आएगी। बिल्कुल ठीक बात। निमाड़ में, बड़वानी में भी भाजपा भारी दिखाई देती है और खंडवा में भी भारी दिखाई देती है, लेकिन इन सबके बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर, नीमच और उज्जैन, साजापुर और आगर जी, यहां पर लगभग मिला जुला है सिस्टम है, 50-50 की सिचुएशन है जी। तो 66 सीटों में लगभग 27-28 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है जी, जी। लेकिन ये सबसे बड़ा, मैं आपको ध्यान होगा 2018 में भी जब इस तरह की स्थिति बनी थी जी, तो सरकार कांग्रेस की बन गई थी जी, जी। हालांकि क्या होगा अभी कहना जल्दबाजी होगा, स्थानीय स्तर पर जो बातें हुई ऐसा सामने आया था, लेकिन उसके लिहाज से भी बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 18 की तुलना में नुकसान है। लेकिन भाजपा के लिहाज से बात करें तो जब 2003 से मैं देखता आ रहा हूँ, लगभग 50 से अधिक सीटें मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और सैफरान का सबसे मजबूत स्तंभ, मजबूत गढ़ अगर कोई है तो मालवा निमाड़ है। यहीं से तय होता है सत्ता का रास्ता, यहीं से बड़ी शक्तियां हैं। और खास करके जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जैसे व्यक्ति जो एक चुनाव स्किप किया, उसके बाद उनको इंदौर की एक नंबर विधानसभा से उतारा गया और काफी रोचक इलेक्शन रहा, तो मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं यहाँ पर लगभग इस तरह की स्थिति, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी लेकिन आदिवासी बहुत बड़ा रोल तय करने वाला है जी, जी, वो निर्णायक भूमिका में जिस करवट आदिवासी बैठेगा जी। अब इसमें महेंद्र जी, यहाँ पर जयस जो है, जय आदिवासी युवा संगठन जी, जी, जो 2018 में प्रभावशाली था, उसके एक प्रत्याशी खड़े, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था हीरालाल अलावा जी, अब उनकी सीट भी बता रहे हैं कि वहां पर बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो उनके जो उसका जो प्रभाव है पहले की तुलना में शायद इतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। जयस कहीं ना कहीं फीका पड़ा है, आप बिल्कुल मानते हैं? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी खेमे का कहना है कि आदिवासी और जयस का कहीं ना कहीं साइलेंटली उनको सपोर्ट रहा है, कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी उनका वोटर रहा है, हालांकि आदिवासी हमेशा वोटर रहा है, लेकिन उनके जो रहन सहन, उनका जीवन, उनकी आवश्यकताएं हैं उसको लेकर सियासत जरूर होती रही है जी, जी। लेकिन उनकी आवश्यकताओं को सही तरीके से अगर पूरा किया जाने की बात हो तो अभी नहीं पूरा हुआ। अभी आपको एक आपके चैनल पे एक रोचक और खुलासा टाइप चीज बता रहा हूं मैं जी, जी। कि झाबुआ क्षेत्र है जी। दो मध्य प्रदेश के दो ट्राइबल जिले हैं जी, जो झाबुआ, अलीराजपुर और तीसरा एक और है डिंडोरी। बिल्कुल, आप ध्यान कर लीजिए कि तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ का जो आदिवासी है, बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ जी, जी, यहाँ का आदिवासी है ये शराब प्रेमी रहता है, लेकिन वो देसी शराब प्रेमी रहता है, ताड़ी, ताड़ी जिसको कहा जाता है, देसी शराब प्रेमी होता जी, है जी। लेकिन आप जरा जानकारी ले लीजिए कि कई जिलों के बराबर का ठेका अंग्रेजी शराब का कहाँ जाता है, झाबुआ में। ये आप इमेजिन कर सकते हैं इसके पीछे का कारण है कि गुजरात बॉर्डर पे आता है, नाम लिया जाता है कि आदिवासी अंग्रेजी शराब पीते होंगे, लेकिन सबसे अधिक सबको दिखाई पड़ता है, ये आंकड़ा किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन रोचक बात है, रोचक बात। तो आदिवासियों को अंग्रेजी शराब बिकते हुए होने की बात कही जाती है और वो शराब कहाँ जाती है सबको पता है, तो इस तरह की बातें, आदिवासियों का उपयोग हमेशा आदिवासियों के नाम के संसाधनों में सरकारी सिस्टम में होता रहा है जी, जी। लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वो यदि आदिवासियों के नाम से शराब बेची जा रही तो उसका, यदि वहां बहुत बिक रही है तो उसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, राजस्व उतना, लेकिन लेकिन आदिवासी जो है वहां पर अंग्रेजी शराब नहीं पीता, वो महुआ की शराब पीता है जी, जी, जी। तो इस तरह की बातें और भी कई मुद्दे हैं बिल्कुल, जो आदिवासियों के नाम से फंड आता है बिल्कुल, और कुल मिलाकर
यही स्थिति रहेगी। और मालवा निर्माण की जो दिशा और दशा तय करने का काम अगर कोई करेगा तो आदिवासी ही करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में, जो बड़े नेता हैं जैसे कांग्रेस से उमंग सिंगार हैं, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल हैं, बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये जो तमाम बड़े चेहरे पार्टियों ने उतारे थे, इनका भविष्य आपको सुरक्षित नजर आता है या संकट में नजर आता है? देखिए, जो बड़े चेहरे हैं कहीं ना कहीं बड़े चुनाव भी लड़ते हैं अभी फिर से एक बार, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, इनके चुनाव बड़े रोचक रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थानीय ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट आ रही है, इन लोगों की स्थितियां मजबूत है। लेकिन और भी रोचक बात यह रही महेंद्र जी, इस बार के इलेक्शन में जो कि एक अच्छा राजनीतिक के तौर पर पहलू, राजनीति के तौर पर ठीक नहीं कह सकते, धन बल और जिस तरह की बातें सामने आई, चाहे लीकर की बात हो चाहे कुछ भी हो, एक नई परिपाटी राजनीति में सियासत में शुरू हुई है जो उसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, एक जागरूक मतदाता है, वो जानता है उसको किसको चुनना है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं होती थी कि चाहे शराब की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे अपने प्रभाव की बात हो, इस तरह की बातें जब हुई तो अपने आप में जो इलेक्शन का लेवल है, भले आधिकारिक तौर पर 40 लाख का आंकड़ा है लेकिन कहां पहुंचा होगा, हालांकि इसकी कोई गणना नहीं, इसका आधिकारिक कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन चर्चाओं का दौर है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चर्चा इसको लेकर बहुत है, बिल्कुल, कि इस बार इस तरह का चिंता का विषय है। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर राजनीति की तासीर ही ऐसी है जहां पर कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद हर हथियार को जो है अपनाते हैं हमारे राजनेता, और जनता का दिल जीतने के लिए जितनी कोशिशें की जाती हैं उसमें हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो कि चिंता का विषय है। बहरहाल, यहां पर सुदेश तिवारी जी का आकलन है कि मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 28 सीटों पर कांग्रेस और बाकी बची 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना सकती है। ये एक विश्लेषण है, कहा यह जा सकता है कि ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मुद्दों के लिहाज से बात करें तो यहां पर आदिवासी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, यानी कि जनजातीय वर्ग किस रुख करता है, किस दल के साथ जाता है, उसकी दिशा यहां पर तय कर देगा मालवा और निमाड़ का यह बड़ा केंद्र जहां पर 66 विधानसभा सीटें आती हैं। शायद यही इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता की स्क्रिप्ट जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि मालवा और निमाड़ से लिखी जाती है, और ये लिखने की शुरुआत जो है यहां से हो गई है। फिलहाल सुदेश तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल के ग्रुप एडिटर, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि 28 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी का जहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ये नतीजे नहीं है, एक आकलन है, एक सटीक विश्लेषण है जिसे हम एग्जिट पोल का नाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर और चंबल। सुदेश जी, आपकी निगाहें भी इस पर उतनी ही टिकी थी जितनी की बीजेपी में गए महाराज की टिकी थी, यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह ही क्यों ना हो, बल्कि खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ग्वालियर और भिंड, मुरैना, इन इलाकों में चंबल में लगातार पसीना बहा रहे थे, और कहा जा रहा था कि मिशन 2023 की जो शुरुआत है वो इसी इलाके से की गई थी। ग्वालियर और चंबल में 34 सीटों का आंकड़ा है। सुदेश तिवारी जी, आपका आकलन क्या है, आप क्या मानते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई कमबैक करती दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस ही यहाँ पर आपको परंपरागत रूप से जो है बढ़त बनाती नजर आ रही है? देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले तो मालवा निमाड़ को लेकर आपने बोला 28 जी, मैंने भी कहा ये जो आंकड़ा है जब तक मशीने नहीं खुलेंगी तब तक तो पक्का नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल मेरे जो सहयोगी हैं उनसे हमने बात की, अनुभव के आधार पर, लगभग इसके आसपास ही रहने वाला जी, है जी, जी, आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं, महेंद्र जी आपको याद होगा कि वर्ष 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस का दामन छोड़कर गए थे, उस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति थी जी, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुआ बिल्कुल बहुत सी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, बहुत सी कांग्रेस की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार झेलना पड़ी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की खेमे की ही इमरती देवी जैसी और गिरिराज दंडोतिया जैसे व्यक्ति वहां पर चुनाव हारे और धिमनी सीट भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अपने आप में जो ग्वालियर चंबल संभाग बागियों के लिए जाना जाता है, अलग अलग तरीके की स्थिति है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना प्रभाव है जी। मैं आपको फिर से बताऊंगा, जो मालवा से और मध्य क्षेत्र से लगा हुआ ग्वालियर चंबल संभाग जिलों का क्षेत्र है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के आसपास, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो लाडली बहना
चूंकि काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी, जी, जी. तो ग्रामीण भले इंदौर शहर के जो मजदूर परिवार और ये परिवार हो जी. उनको 1200 से असर ना पड़ता हो जी, जी. लेकिन उस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जो है जी, जी. अगर किसी के घर में 3 महिलाएं हैं और उनको 1200 रुपए मिलते 3600 रुपए तो उनके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी राशि 1250 की राशि थी और राखी के समय और उस समय जब पैसा आया तो उसका असर उस क्षेत्र में महिलाओं में काफी दिखाई देता है. तो जो पहले स्थिति थी ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की बिल्कुल, लेकिन मालवा और मध्य क्षेत्र से लगे हुए जिलों में भारतीय जनता पार्टी कमबैक करते हुए दिखाई दे रही है. जी, ये जी, मेरा आकलन है वहां के लोगों से बात करने के बाद. बिल्कुल ठीक है, लाडली बहना योजना का एक गेम चेंजर जो कहा जा रहा है. बिल्कुल जी, 34 सीटों में से जो पहले स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी, निश्चित तौर पर कांग्रेस उस क्षेत्र में ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में मजबूत है. भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना और ये जो दतिया, इस तरह के क्षेत्र हैं. यहाँ पर बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं और कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया जी हैं, उनके सामने भी कांटे का मुकाबला है. जी, जी, जी. तो इसमें जो अभी मुझे दिखाई देता है लगभग 20 और 14 का आंकड़ा दिखाई देता है. देखिए फिर से बताऊंगा, आंकड़ों पे मत जाना. जी जी, कि हो सकता है ये आकलन है, आंकलन है, आगे पीछे हो सकता है, अपनी सीटों का हेरफेर भी है. लेकिन जो लोगों से बात हुई है, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र जी कमबैक भी किया है, कई सीटों पर कांग्रेस ने कमबैक किया है. मैंने आपको फिर से बताया कि अशोकनगर, गुना और शिवपुरी का जो एरिया है इस क्षेत्र में लाडली बहना का इम्पैक्ट दिखाई देता है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र जो है वहां पे कांटे की टक्कर दिखाई देती है. तो कुछ सीटें ऐसी हैं कि उनका आंकड़ा काफी कम रहने वाला है. एक और बात उस क्षेत्र में देखने को मिली महेंद्र जी, सपा बसपा और निर्दलीय, बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र में बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी जी. जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ पर दिमनी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी लड़ रहे हैं और उनके सामने रविंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, उनके सामने दंडोतिया लड़ रहे हैं, जो कि तो तीनों में दंडोतिया जी जो लड़ रहे हैं बसपा से हैं. जी जी, तो कॉस्ट फैक्टर एक और फैक्टर जिसकी बात हम करना भूल गए थे, जातीय आधार पर. अगर ये मध्य प्रदेश की सियासत और कहेंगे कि बहुत अच्छा एक मिजाज रहा है, पूरे देश में जातिगत समीकरण पे चुनाव होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी तासीर रही है कि सियासत में आइडियोलॉजी के बीच में जाति कभी आड़े नहीं आई. लेकिन इस बार कुछ आंकड़ा बदल, अखबारों की सुर्खियां हुआ. जी जी, मुरैना में ब्राह्मण ठाकुर की बात हुई, एससी की बात हुई, एसटी की बात हुई, ओबीसी की बात हुई, उस क्षेत्र में भी ग्वालियर चंबल संभाग, तो उस क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां काफी रही जी. तो ऐसी स्थिति में ये जो आकलन होने वाला है, लगभग मैंने जो बताया 20 और 14 का खेल है, 20 भारतीय जनता पार्टी और 14 कांग्रेस, या 20 कांग्रेस, 20 पे कांग्रेस आगे दिखाई देती है, 20 पर कांग्रेस आगे दिखाई देती है, 14 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई देती है, आगे दिखाई देती है. आंकलन कुछ सीटें ऐसी हो भी सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं उनसे बात करी तो उनकी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है अभी. चलिए बड़ी बात है, यहाँ पर 34 सीटों की सर्जरी जब हमने की, ग्वालियर और चंबल, भिंड, मुरैना, ये वो इलाका है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर जरूर एक बार कांग्रेस सेंध लगाती नजर आ रही है. और जैसा कि आकलन यहां पर सुदेश तिवारी जी हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 20 सीटों पर कांग्रेस यहां पर बढ़त हासिल कर सकती है, ये संभावनाएं हैं, एग्जिट पोल ऐसा इशारा करते हैं, जबकि 14 पर बीजेपी को समझौता करना होगा. यह आंकड़ा बदल भी सकता है चुनाव नतीजों के साथ, लेकिन फिलहाल एक धुंधली तस्वीर जरूर ग्वालियर और चंबल संभाग की हम यहां पर उकेर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, महाकौशल की बात करते हैं. जैसे बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किए, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, सांसदों को चुनाव लड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को विधायकी की परीक्षा में भी उतार दिया, ताकि यह तय किया जा सके कि वो लोकसभा चुनाव तो जीत कर आ जाते हैं लहर पर, लेकिन क्या स्थानीय मुद्दों के आधार पर, राज्य की सरकार के कामों के आधार पर वो विधानसभा चुनाव जीतने की कुवत भी रखते हैं या नहीं. शायद यही वजह थी कि जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को भी मैदान में उतार दिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. तकरीबन 38 सीटें महाकौशल से आती हैं. सुदेश तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. दिल्ली में जरूर वो पॉलिटिकल सर्जरी देश की करते हैं, लेकिन आप अपने प्रदेश की बात करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हैं. महाकौशल की, सुदेश तिवारी जी, सीटों पर आपका सटीक आकलन क्या है और आप क्या संकेत यहां पर देंगे मध्य प्रदेश की जनता को, एमपी न्यूज की ऑडियंस को? देखिए बहुत ही रोचक है जी, जो एरिया है अगर इसकी बात करें महाकौशल की जी, तो आप देखिए कि दो दो केंद्रीय मंत्री महाकौशल बन रहे हैं. फग्गन सिंह कुलस्ते जी लड़ रहे हैं मंडला में जी, और नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल जी लड़ रहे हैं जी, और इसी तरह सांसद राकेश सिंह जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अभिलाष पांडे जी वहीं से लड़ रहे हैं. आप देखिएगा कि दमोह से जयंत मलैया जी
लगभग 70 से ऊपर की उम्र है उनकी जी, वो भी उनको मैदान फिर में से मैदान में उतार दिया जी, है जी, जी। तो बहुत ही रोचक चुनाव, कमलनाथ जी का भी प्रभाव वाला क्षेत्र है, छिंदवाड़ा है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, लेकिन चाहे सिवनी की बात करें, चाहे कटनी की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, या मंडला की बात करें, या बालाघाट की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, और जो ये पूरा क्षेत्र है, इस पर कांग्रेस का प्रभाव तो अभी भी दिखाई देता है जी। लेकिन सेंधमारी की है, भाजपा ने सेंधमारी की है जी। तो अभी की स्थिति में जैसा 38 सीटें आपने बताई, बिल्कुल लगभग 20 प्लस के आसपास में कांग्रेस यहाँ पर अभी भी दिखाई देती है आपको आंकलन पे। फिर मैं कहूंगा यहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस है केवल, देखिए कोई इस पे किसी तरह का वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जबलपुर का आपको ध्यान होगा कि जब महापौर का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, बहुत बड़ी अपने आप में। जो अर्बन क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अर्बन क्षेत्र में बढ़त लेती है बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जबलपुर और ग्वालियर और हार का सामना करना पड़ता है, और कुछ बड़े बड़े नगरी निकाय चुनाव में हार का सामना भाजपा को करना पड़ा, बिल्कुल ठीक है। सिंगरौली में तो आम आदमी पार्टी का है। तो अभी उधर लौटेंगे, बिंद क्षेत्र पर भी आएंगे, लेकिन जबलपुर और ये जो क्षेत्र महाकौशल क्षेत्र, यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा महन जी भारी दिखाई देता है जी। जी चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाकौशल में जहां से कमलनाथ को पूरी आस है, और वो मानकर चल रहे हैं कि महाकौशल तो जो है वो कमलनाथ के क्रेडिट वाला एक ऐसा इलाका है जहां पर उनकी तूती बोलती है, वहां पर जरूर कांग्रेस बढ़त बना रही है। और सुदेश तिवारी जी हमें लगातार जो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल की तस्वीर जब हम खींचने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो तकरीबन 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहां पर कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि 18 पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर समझौता करना होगा। लेकिन ये सब एक आंकलन है, एक एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो कि आने वाले समय में चुनावी नतीजों के साथ साफ होंगे, लेकिन धुंधली तस्वीर में महाकौशल में भी कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। आगे बढ़ेंगे, विंध्य की बात करेंगे, मध्य क्षेत्र की बात करेंगे और बुंदेलखंड की बात करेंगे, और मध्य प्रदेश का सबसे सटीक एग्जिट पोल भी आपको बताएंगे। ये बताएंगे कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, 2023 में जो जोरदार टक्कर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिली है, इसमें बढ़त और बहुमत का जादुई आंकड़ा किसके खेमे किसके पाले में जा रहा है, ये तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहे आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज पर। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की, छोटे से अंतराल के बाद फिर लौट कर आएंगे और आपको बाकी बची सीटों का सियासी हाल भी बताएंगे और पॉलिटिकल सर्जरी के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी तय कर देंगे। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज पर। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।